हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ सेकंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो सेट रहने वाला है वो सीटेट पेपर फर्स्ट, यानी कि जो आपका एग्जाम हुआ था 16 फरवरी 2014 को, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे और हर एक क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंड में उठाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है आपके सामने, नंबर दे रखा 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। बहुत ही आसान सवाल है। मैंने बोला कैसे स्थानीय मान निकालते हैं, आपके सामने जैसे यहाँ 5 लिखा है तो 5 के सामने 5 लिखो और राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, आपको 2 डिजिट है, यानी कि 2 जीरो हो जाएंगे। यानी कि 5 का बच्चा स्थानीय मान जो होगा ना वो कितना होगा, आपको 500 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान क्या होगा, आपको 6 के सामने अगर मैं 6 लिखता हूँ राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है, आपको 1 डिजिट, तो 1 जीरो लग जाएगा। यानी कि 6 का स्थानीय मान बच्चा कितना हो जाएगा, आपको 60 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया, स्थानीय मानों का गुणनफल, यानी कि 500 × 60 करोगे तो कितना आएगा। देखो 56 कितना होता है, आपको 30, 56 कितना होता है 30, और देखो कितने जीरो हो, 2 और 1, यानी कि 3 जीरो और लग जाएंगे, 3 जीरो और लग जाएंगे, कितना हो जाएगा 30,000। कहाँ दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 10 दहाई + 11 सैकड़ा + 12 इकाई बराबर है। मैंने बोला दहाई का मतलब क्या होता है गुणा 10, सैकड़े का मतलब क्या होता है गुणा 100, और इकाई का मतलब क्या होता है गुणा 1। आप मुझे तो 10 × 10 करोगे कितना मिलेगा, आपको 100 मिलेगा, प्लस 11 × सैकड़ा करोगे कितना मिलेगा, आपको 1100 होगा, प्लस 12 × 1 करोगे कितना मिलेगा, आपको 12 मिलेगा। यानी कि 1100 प्लस 100 करोगे कितना होगा 1200, 1200 में अगर आप 12 जोड़ोगे कितना आएगा 1212। यानी कि कहां दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। ठीक है, आप मुझे तो 1/4 भाग खा लिया तो बचा कितना। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बच्चे की अगर आपको लिखना है ना कितना बचा, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस देखना, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपको 3, इसको ऊपर लिखेंगे और नीचे बेस क्या है 4, इसको एज इट इज यानी कि सेम ही रखेंगे, यानी कि बचा कितना आपको 3/4 बचा। ठीक है, अब जो बचा है ना, यहाँ कह रहा है कि शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। अब बांटते कैसे, जितने पिज्जा बचा है ना इसको कितने बच्चों में बांटा गया, आपको 12 में, तो 12 से हम लोग भाग दे देंगे। अब आपसे पूछा क्या गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला, आप कुछ नहीं इसको सॉल्व करना है। देखो 3/4 में अगर आप भाग करोगे 12 का तो कैसे होगा, आपको 3/4 भाग की जगह अगर मैं गुणा लगाता हूं तो 12 क्या है 12/1 है, इसको पलट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 1/12। इसको सॉल्व करोगे देखो कितना आएगा 300 × 12, देखो आंसर कितना आया हमारा बच्चा, आपको ऊपर कितना रहेगा 1, नीचे क्या आएगा 4/16, यानी कि 1/16 जो भाग है ना प्रत्येक बच्चे को पिज्जा खाने को मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। मतलब कि एक ही दिन की बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। हाँ, मुझे तो बहुत ही आसान सवाल है, देखो 8:18 पर चली और कितने पहुंची, आपको 10:28 पर पहुंची, थोड़ा मैं दूर लिख देता हूँ, कितने पहुंची 10:28 PM पर पहुंची। ठीक है, 8:18 कहाँ पर चली, AM पर, यानी कि सुबह चली और 10:28 पर PM यानी कि शाम को पहुंची, यानी कि रात्रि में पहुंच गई। ठीक है, आपसे पूछ रहा कितना समय लगा, आप मुझे तो 8:18 से, अगर आप मुझे तो 8:18 PM पर पहुंचोगे ना, यानी कि 8:18 PM पर पहुंचोगे तो कितने घंटे लग जाएंगे, आपको टोटल 12 घंटे लग जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, अगर AM से अगर आपको उसी टाइम में अगर आपको PM में जाना तो आपको कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं। इतनी बात समझ गए, 8:18 PM तक कितने लगे, 12 घंटे। अब देखो 8:18 से अगर आप 10 बजे पहुंचते हो, थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूँ, 8:18 से अगर आप 10:18 बजे पहुंचते हो 10:18 PM पर, तो कितने घंटे लगेंगे आपको, 2 घंटे और लग जाएंगे। ठीक है, अब 10:18 पे पहुंच गए, आपको कब पहुंचना है 28 मिनट पर, यानी कि 10:28 PM पर पहुंचना है, यानी कि आपको कितने मिनट और लगेंगे, 10 मिनट और लगेंगे। आपसे पूछ रहा टोटल कितना समय लगा, तो जोड़ लो 12 2 कितना हुआ 14, 14 घंटे 10 मिनट लगे, 14 घंटे 10 मिनट कहाँ दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते हो, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
पांच की। तो क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा बच्चा कि 36 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज और भाग करेंगे 18 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर है। आप मुझे तो छोटा सार गुणज क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया कि सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, ठीक है। अब बड़ा नंबर का पहाड़ा पढ़ो, देखो 60 एकम कितना होता है 60। अब देखो छोटा नंबर क्या काट देगा पूरा पूरा, आपको 36 से 60 नहीं करता है कुछ नहीं। आप देखो 60 दूना पढ़ो, 60 दूना कितना होता है 120। अब देखो 36 क्या 120 को काटेगा, आपको नहीं काटेगा, समझ गए। 60 दिया पढ़ो, 60 दिया कितना होता है 180। देखो 36 क्या 180 को काटता है, आपको 36 पंजा कितना होता है 180 होता है, यानी काट देगा। जब ये काट देगा छोटा भी नंबर, तो यही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अब देखो ध्यान से क्या करना है कि 180 में आपको भाग किसका करना है, 18 और 45 के एचसीएफ से, यानी कि सबसे बड़ा नंबर क्या है जो 18 को भी काट दे और 45 को भी काट दे। आपको 9 दूनी 18 होता है, 9 गुना 45, यानी कि 9 सबसे बड़ा नंबर है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 18 और 45 को काट देगा, यानी कि 9 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब भाग करना, भाग करके देख लो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 9 दूनी 18 कितनी बार जा रहा है 20 बार। 20 कहां लिखा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा बच्चा, देखो गुणनफल 3001 इंटू 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि आपको इतनी संख्या प्राप्त हो। बहुत ही आसान सवाल है, कितनी प्राप्त हो रही है आपको, 3,311 प्राप्त हो रही है। देखो ध्यान से 3001 इंटू 101 का गुणा करो, कैसे करोगे, जब भी गुणा करने का है तो आप कुछ नहीं, आप ब्रेक कर लिया करो। 101 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 100 प्लस 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा करना आसान हो गया, 3001 में 100 का गुणा करोगे तो 2 जीरो और चिपक जाएंगे, ठीक है। अब 3001 में 1 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपको, प्लस का 3001। 3001 में ऐसे लिख सकता हूँ अगर जोड़ने के लिए 3001, आप इसको जोड़ो देखो कितना आएगा आपको, 3,03,101, यानी कि 3,3101 आया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए, यानी कि इसमें से मैं क्या घटा दूंगा ताकि मुझे 3,311 प्राप्त हो। आप मुझे तो बहुत ध्यान से, अगर आप 3,03,00,000 प्राप्त होता, यहाँ देखो कितना है एक्स्ट्रा 311, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है 3,3101। आप डायरेक्ट ध्यान रखो 3,101 में अगर आप 311 घटाओगे ना, क्योंकि 3,00,000 की कहानी का कोई मतलब नहीं, वो लास्ट में घटाओगे तब भी आपको जीरो मिलेगा, तो हम क्यों ना पहले ही अलग कर ले। आप देखो 3,101 में अगर आप 311 घटाते हो कितना बचेगा आपको, 1 में से जाएगा 0, यहाँ देखो कैरी लोगे 10 में से जाएगा 9, यहाँ कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपको 7, यहाँ 2 बचेगा, यानी कि 2790 अगर आप घटाते हो ना तो आपको 311 प्राप्त होगा 3,101 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। जैसा कह रहा वैसे ही करना है। 6 घंटों में पहले 6 घंटे में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपको 60, फिर 60 मिनट में मतलब कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको 60 सेकंड होते हैं। ये देखो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या हो गई, ये किसके बराबर पूछा है, कितने दिनों में, ठीक है, कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। आप मुझे बताओ जरा ध्यान से समझो, कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर, यानी माना कि n दिन है। अब n दिन में कितने घंटे होते हैं आपको 24, अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपको 60, क्योंकि मिनटों की संख्या के बराबर पूछा तो मिनट ही हमको बनाना है, या सेकंडों की संख्या के बराबर पूछा तो सेकंड ही हमको बनाना है। अब काटा पिटी करो, देखो 60 से 60 खत्म, समझ गए। 6 से काटोगे 6 चौको कितना होगा 24, 4 से काटोगे 60 कितना आएगा 15, यानी कि 15 दिनों की संख्या के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, 3488 को अगर आप 12 से भाग करने पर जो भी प्राप्त शेषफल होगा ना, 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त जो भी शेषफल होगा उसमें अंतर बता दो। बहुत ही आसान सवाल है, देखो 3488 को अगर आप 12 से भाग करते हो तो देखो शेषफल कितना आएगा आपको, 12 दूनी 24, 10 बचा 108 हुआ, 12 निम्मा 108 पूरा पूरा चला गया, यहाँ कितना बचा 8, अब 8 छोटा है 12 से जाएगा नहीं भाग, इसका मतलब शेषफल यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्या है 2478 है, अगर आप 11 से भाग दोगे तो देखो शेषफल कितना आएगा आपको, 11 दूनी 22, 2 27 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 5 बचेगा 58, 11 बचे 55, 55 3 58 होता है, यहाँ शेषफल कितना बचा 3। इन दोनों का अंतर पूछ रहा, 8 में से 3 जाएगा बच्चा कितना बचेगा आपको 5, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की जो चौड़ाई है ना वो वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। आप मुझे तो वर्ग का परिमाप क्या है आपको 4a होता है, ये किसके बराबर 20, यहां से वर्ग की भुजा पता चल जाएगी।
चार से काटोगे चार पंचे बीस, जो वर्ग की भुजा आई ना वही हमारी भुजा क्या होती सेम ही होती, लंबाई चौड़ाई सेम ही होती ना, वर्ग में लंबाई चौड़ाई सेम होती है, यानी कि इसको मैं लंबाई भी बोल सकता हूँ और इसको मैं चौड़ाई भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा कि आयत की जो चौड़ाई है बच्चा वो वर्ग की चौड़ाई के बराबर, यानी कि वर्ग की चौड़ाई क्या हो जाएगी आपको पांच ही हो जाएगी, और जो लंबाई है ना इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि जो लंबाई है आयत की इसकी चौड़ाई की कितनी है दोगुनी है, यानी कि पांच की दोगुनी कितनी होती है आपको दस होता है। अब पूछ रहा है आपसे कि आयत का क्षेत्रफल बता दो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा आपको लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि पांच गुने दस करोगे तो कितना आएगा बच्चा आपको पचास, यानी कि आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा ऑप्शन नंबर दो, यानी कि पचास इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दस की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। कह रहा है बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है। जब भी गुना की बात होती तो हम आयतन आयतन का कितना गुना यानी कि आयतन निकालना, आयत का आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। एक चीज ध्यान रखना कितना गुना पूछा जाए तो हम दोनों का अनुपात निकालेंगे, यानी कि ए के आयतन का अनुपात और बी के आयतन का अनुपात। अनुपात क्यों निकालेंगे चीजें हमारे लिए सरल हो जाएंगी। तो ए का आयतन कितना हुआ है आपको लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये अनुपात जो है वो किसके बराबर है बी के, बी का आयतन का अनुपात। बी का आयतन कितना है आपको 18 इंटू 12 इंटू कितना है 5। आपसे गुना पूछ रहा है ना तो अनुपात से आप गुना निकाल सकते हो। देखो ध्यान से 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 दिया 15, 3 से काटोगे 3 चौको 12, 4 से काटोगे 4 पंचे 20, हमारा कितना निकला है 5 अनुपात 1। अब देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है बी के आयतन का कितने गुना है। देखो एक का कितने गुना है कि 5 बना दे आपको, एक गुणा 5 करेंगे तभी तो 5 बनेगा, यानी कि 5 गुना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जब भी गुना पूछा जाए तो आप उसका रेशियो निकाल लो, अनुपात निकाल लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आप मुझे तो पहला ऑप्शन बहुत बड़ा दिया रखा है, इसको चेक नहीं करेंगे, जो छोटे छोटे ऑप्शन है उसको चेक करो। कह रहा है कि 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर क्या है 1.5 मीटर है। आप मुझे तो जरा ध्यान से देखो 1.5 मीटर, आप मुझे तो 1 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर को आप मीटर बनाओगे किससे भाग करोगे आप लोग 100 से भाग करेंगे तभी तो मीटर बनेगा। ये मैंने यूनिट कन्वर्जन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, अगर आपने ना देखा हो तो उस क्लास को रिवाइज कीजिएगा। आप मुझे तो 1 + 2 0 है यानी कि 2.05 आएगा 0.05, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 1.05 मीटर होगा। आप मुझे तो 1.05 मीटर क्या 1.5 मीटर के बराबर होता है आपको बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब यही जो है आंसर जो है वो सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक संतरे का मूल 5.5 रुपये है, 1 किलोग्राम सेब का मूल 80 रुपये है, 1.5 दर्जन संतरे खरीदे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल कितना होगा। आप मुझे बताओ एक संतरे का मूल कितना है 5.5 रुपये, 5.5 मतलब 5.5 रुपये है, 5.5 को हम कैसे लिख सकते हैं आपको 5 से 1/2 लिख सकता हूँ बिल्कुल सही, नहीं तो आप ऐसे नहीं कर पाओ। देखो यहाँ पर कितना लिखा 5.5 रुपये लिखा है, आप मुझे पॉइंट डालोगे 10 आ जाएगा, 5 × 10 5 × 5 = 5, यानी कि 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं 11/2, ठीक है। अब देखो एक संतरे का मूल कितना है 11/2, 1.5 दर्जन संतरे है, 1.5 दर्जन में संतरे आते कितने हैं आप कहोगे 1 दर्जन में 12 और आधा कितना 6, 12 × 6 कितना होगा 18, यानी कि 1.5 दर्जन में कितना मूल हो जाएगा आप कहोगे एक संतरे का मूल 11/2 तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल यानी कि 18 का गुणा कर देंगे, 2 से काटोगे 2 नहीं 18 11 × 9 कितना हो जाएगा 99 रुपये, तो यहाँ लग गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम जो सेब है वो कितने रुपए का है आपको 80 रुपए का है। आपसे कह रहा है 1 और 3/4, 1 और 3/4 का मतलब 1 + 3/4, समझ लो करो 4 × 4 + 3 करोगे 7/4, यानी कि 7/4 केजी का मूल क्या होगा आपको 1 केजी का मूल 80 रुपए, तो 7/4 केजी का मूल आपको 80 से गुणा कर देंगे, 4 से काटोगे 4 × 8 = 20 होगा, 20 × 7 कितना हुआ 140 रुपए, यानी कि 140 रुपए क्या हो गए सेब हो गए। आपसे पूछ रहा है कि सभी का मूल कुल कितना है यानी कि टोटल रुपए कितने खर्च किए, हम मुझे तो 144 + 99 करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा आपको 239 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपके सामने इतना बड़ा नंबर दे रखा 43 से भाग करने पर भागफल क्या होगा। चलिए करते हैं बहुत ही आसान से 3010301,
आप मुझे तो 43 से भाग करोगे। ऑप्शन देखो सब में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में सात 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 दे रखा है, यानी कि सात बार जाएगा। सात बार करो देखो 43 सत्य कितना होता है, सात के 21 साचों को 28 30, यानी कि 43 सत्य कितना होता है आपको 301 होता है। आप मुझे तो सात बार पूरा पूरा चला गया, आप देखो जीरो उतारोगे, जीरो छोटा है काम बनेगा नहीं, समझ लो। आप देखो तीन उतारोगे, तीन उतारने के लिए मुझे जीरो लगाना पड़ेगा, अभी भी काम नहीं बनेगा। फिर जीरो उतारोगे, फिर मुझे जीरो लगाना पड़ेगा, 30 हो गया, अभी भी 43 छोटा है। आप क्या करोगे, एक उतारोगे तब हमको जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आप कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा। फिर 43 सत्य कितना जाएगा, 301, समझ गए। 70,007 कहाँ दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर दो में दे रखा है, यहाँ तो गलत हो जाएगा क्योंकि तीन जीरो बीच में चाहिए, यहाँ देखो दो जीरो दे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में 15 बोतलों को जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है भरा गया, शेष कितना मिश्रण बचा। आप मुझे तो 15 बोतलों में भरा गया कितना, आपको 1.5 लीटर भरा गया, ठीक है। तो को टोटल भरा कितना गया, गुणा कर दो 15 × 75 की 5, 15 × 15 और 7 कितना होगा 22, मतलब कि 22.5 लीटर जो है वो जूस भरा गया है। देखो टोटल जूस है कितना, आपको 14 लीटर 280 इधर है, 14 लीटर और 280 मिलीलीटर इधर है। अब देखो इधर कितना है, 18 लीटर और 830, 18 लीटर और 830 इधर है, इन सभी को जोड़ो देखो कितना आएगा आपको, 8 × 3 = 11, 8 × 2 = 10 = 11, 100 मतलब कि 1110 मिलीलीटर और 8 × 4 = 12 की 2, 2 × 1 = 1, 1 × 2 = 3, यानी कि 32 लीटर और 1110 मिलीलीटर आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो 1110 मिलीलीटर, एक मिलीलीटर में अगर मैं बात करता हूँ कि एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, आपको 1000 होते हैं। अगर मैं 1000 को इधर भेजता हूँ यानी कि एक लीटर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 33 लीटर, यहाँ कितना बचेगा 110 मिलीलीटर बचेगा। मिलीलीटर को अगर मैं लीटर बनाता हूँ तो 1000 से भाग करोगे ना, जीरो से जीरो खत्म, 11/100 का मतलब क्या होता है आपको 0.11 होता है, यानी कि 33.11 लीटर जो है वो टोटल जूस है, ठीक है। इसका जूस है संतरे का है और गाजर का है, लेकिन हरा कितना गया आपको 22.5, पूछ रहा है शेष कितना बचा, तो घटा देंगे ना आसानी से, 33.11 में 22.5 घटाओगे देखो कितना आएगा आपको, यहाँ जीरो लगा देंगे, यहाँ तो एक ही रहेगा, कैरी लोगे 11 में से 5 जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 10.61 लीटर बचेगा। 10.61 कहाँ दे रखा आपको, 10 दिखना चाहिए, कहीं नहीं दिख रहा 10, तो यही दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर 4। देखो 610 मिलीलीटर को अगर आप लीटर बनाओगे कितना बनाएगा, 0.61 बनाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यूनिट कन्वर्जन में मैंने सिखाया है, अगर ना देखा हो तो क्लास जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 42 के गुणनखंडों की संख्या है, 42 के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, आपको प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से देखो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, अब किससे कटेगा 3 से 3 = 21, फिर कैसे कटेगा 7 × 7, इसको पावर में लिख दो। देखो 2 कितनी बार आया आपको, 2 एक बार आया, 3 कितनी बार आया आपको, 1 बार आया, 7 कितनी बार आया आपको, 1 बार आया, इन सभी का गुणा करके आप देखो पावर कितनी बार आया, अगर 2 बार आता तो पावर में 2 लिखते। अब गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा, मैंने बोला ट्रिक बताई थी ना, जो भी पावर है उससे बढ़ा के लिखो, यहाँ 2, 1 से बड़ा क्या होता है 2, यहाँ भी 1 से बड़ा क्या होता है 1 बढ़ाना है ना, 1 से बड़ा क्या होता है 2। गुणनखंडों की संख्या जो होगी बच्चा इन्हीं नंबर्स का गुणा हो जाएगी, कितना 2 × 2 = 4 × 8, अच्छी तरीके से नंबर सिस्टम में समझाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों ये सेट बहुत ही आसानी में सॉल्व हो गया है। अगर दोस्तों ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।